अलकागंज वार्ड के आप पार्टी के सचिव एवं वरिष्ठ नेता परवीन सोनकर का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मलकागंज में कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन मनाया, साथ ही साथ कई जगह का परवीन सोनकर का जन्मदिन वहां मनाया गया। हमारी बात आप पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर तो अपने शुभचिंतकों को बधाई तो दे दी, साथ ही साथ बीजेपी द्वारा टैक्स पर जो इजाफा किया गया है उस पर भी बात की। इस पर परवीन सोनकर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छी तरह से सादगी से मनाया गया। सबसे पहले आपको जन्म की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और क्या कहेंगे आप? देखो, पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों का और जिस जिस मेरे प्रिय भाइयों ने, बहनों ने जन्मदिन मनाया, जैसे सुमनलता बहन हो गई, सुमित भोजगी जी हो गए, छोटे लाल अग्रवाल जी हो गए, अलामीन भाई हो गए हैं, और यहाँ कार्यालय में सबने धूमधाम से मनाया। मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जन्मदिन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम अपने बड़े बुजुर्गों को तो भूलेंगे नहीं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, जैसे कि बड़े बुजुर्गों का आपके ऊपर आशीर्वाद भी है। जी जी। और जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ जुड़े रहते हैं, क्या कहेंगे? फ्रेंडशिप डे भी है कहा जाता है। देखो, बड़े बुजुर्गों का सबका आशीर्वाद है हम लोगों के साथ, खासकर मेरे पिताजी का, स्वर्गवासी श्री किशन लाल जी का। उनका तो बचपन से और आज वो स्वर्ग में हैं, और उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है। और भोले बाबा का है, सावन चल रहा है, सावन के महीने में जन्मदिन आता है। मैं तो वाकई कुछ नसीब हूँ कि बाबा जिस वक्त धरती पर आए हुए होते हैं उस वक्त मेरा जन्म हुआ था। और अपने सभी भाइयों का और विधायक जी का, कि विधायक जी को टाइम नहीं था इसलिए वो आ नहीं पाए, बाहर है, उनकी ड्यूटी लगा रखी, नहीं तो हर बार विधायक जी आते हैं और वह हर काम में शरीक होते हैं क्षेत्र में। और हमारे विधायक जी का जिस तरह लोकप्रियता बढ़ रही है, और उनके साथ साथ हम लोगों ने जो ऐसे भी वह वो आदेश देते हैं क्षेत्र में, उसको कार्य को हम लोग कार्य करते हैं। ये तो जन्मदिन की बात रही, हम करते हैं उन नीतियों की बात जो आप पार्टी, जैसे कि आज धरना था बीजेपी। जी जी जी, अभी वहीं से आ रहे हैं हम लोग। टैक्स जो कर दिया है, जी जी, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी ने तो धांधली मचा रखी है हर चीज़ में। उन्हें पता था कि दिल्ली के अंदर किस तरह से आम आदमी पार्टी को डाउन करना है, लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी वो हमें कुछ नहीं कर पा रही, तो वो पब्लिक को तंग कर रही हैं। अब जैसे पानी का हो गया, पानी को डाउन करना है, लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी वो हमें कुछ नहीं कर पा रही, तो वो पब्लिक को तंग कर रही हैं। अब जैसे पानी का हो गया, पानी को वो प्राइवेटाइजेशन करने के बाद वो पब्लिक को तंग करेंगी। अब हाउस टैक्स देखिए डबल कर दिया, क्या क्या वजह है भैया? क्यों, MCD घाटे पर जा रही है? बताइए, MCD घाटे पर जा रही है क्या? फ़ायदे पे है अब तक, जब तक 5 साल हो गए MCD घाटे पे नहीं थी, फ़ायदे में ही है, तो हाउस टैक्स बढ़ाने की क्या ज़रूरत है भाई साहब? आपने अब तो अपने हाथ में ले लिया, अब तो बीजेपी के पास है सब कुछ, उसके बाद भी आप बोझ बढ़ा रहे हैं, तो क्या मतलब है? ये सरासर जनता को तंग करने की कार्य चल रहा है। जनता तंग होगी तो आम आदमी पार्टी की हाय हाय करेगी, उनको उनसे उनको खुशी मिलेगी, वो सोचते हैं कि शायद हमारे इस तरह से हमारे वोट बैंक बढ़ जाएंगे। लेकिन दिल्ली में आम आदमी के सिवा कभी ज़िंदगी में बीजेपी नहीं आएगी, जनता जानती है। पहले इनको मौके मिले हुए हैं, कांग्रेस को भी, आम आदमी पार्टी को अब मौका मिला है, तो कार्य करके दिखा रही है। आप भी कार्य करो ना भाई, MCD में आप 10 साल रहे, आपने क्या करा? कुछ नहीं करा, सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करा। अब जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको काम करने नहीं दिया जा रहा है, आप करते रहते हैं, कभी विधायक के पीछे पड़ जाते हैं, कभी मंत्री के पीछे पड़ जाते हैं, कभी ED को पीछे लगा देते हैं, कभी CBI को पीछे लगा देते हैं, क्या है ये? अरे भाई, एक सिंपल सा काम करने, एक साधारण सा आदमी आया है काम करने के लिए आया है, अरविंद जी आए हैं काम कर रहे हैं सिंपल सा, तुम्हारे ऐसे कोई मोटा बैंक बैलेंस नहीं लिया पड़ा उन्होंने, बिल्कुल सिंपल सा काम कर रहे हैं, सिंपल से विधायक हैं, सिंपल से काम कर रहे हैं, जैसे जो जनता को चाहिए वो काम कर रहे हैं। आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? आप लोगों को परेशानी ये हो रही है कि वो काम क्यों कर रहे हैं?
अरे भाई आपको भी तो जनता ने मौका दिया था, 10 साल रहे आप एमसीडी में, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, इसलिए आपको, आपको पता है आपको काम करना नहीं आता। आम आदमी पार्टी में सब पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मालूम है काम किस तरह से होता है। आप लोगों के ऐसे नहीं, आप लोग ना पढ़े लिखे हो, ना आपको काम करना आता, ना नीति है आपके पास कोई। आम आदमी पार्टी के पास नीति है, वो अपनी नीतियों से चल रहा है, और देश में नहीं पूरे विदेश में आम आदमी पार्टी का डंका बज रहा है, और आने वाले इलेक्शनों में एमसीडी में भी डंका बजेगा, और देश में जिस जिस जगह इलेक्शन होंगे वहाँ आम आदमी पार्टी का डंका बजेगा, अरविंद जी के नाम का डंका बजेगा, और आम आदमी पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर, एन एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेटअप बॉक्स, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म, 24 घंटे लाइव देखे हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।